दोस्तों, गाय माता की सेवा जिस परिवार में होती है उस परिवार में कभी भी वंश का उच्छेद नहीं होता। वंश हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, सभी ने गौ माता को कितना महत्व दिया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के पैरों की भी सेवा करते थे। गाय माता की महाराज रघु ने सेवा करी तब उन्हें जो है आज की प्राप्ति हुई। आज ने सेवा करी नन्ही गाय की तब दिलीप हुए, दिलीप ने करी भगीरथ हुए। इस तरह से सूर वंश की वृद्धि भी गाय माता की सेवा से हुई। जो गौ माता को प्रसन्न करता है उसके वंश की वृद्धि अवश्य होती है, पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय है। इसमें करना यह है कि गुरुवार के दिन 200 ग्राम अथवा 300 ग्राम आप जो है बेसन का आटा ले लें। अरे वैसा आटा ले रहे हो तो उसमें हल्दी डाल लें। 300 ग्राम लें तो ज्यादा अच्छा है, और 300 ग्राम लेते 200 या 300 यही चलता है, इससे ज्यादा बढ़ती नहीं लें। 200 या 300 की मात्रा होनी चाहिए। तो उस आटे को जो है बिना नमक के आप जो है गीला करके पेड़े बना लें तीन। उसमें 300 ग्राम चने की भीगी हुई दाल तीनों पेड़ों के साथ रख लें, और 3 केले लें। एक एक केला तीनों पेड़ पेड़ों पर रखें, जो तीन जो आटे की लोई जैसे पेड़ा बना लेते हैं। और गुरुवार को नहाने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके आप गौशाला जाना है, और गौशाला जाकर के अगर साथ में गुड़ भी ले जाए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। गुड़ और हल्दी ले जाए तो लगा के बछड़े वाली गाय उसको ये तीनों पेड़े खिला देने, और तीनों पेड़े खिला करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे गाय माता, मेरे 3 जन्मों के भी पापों कोई कोई रुकावट हो उसे दूर कीजिए, और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मुझे पुत्र दो। ये कह करके गाय माता के 4 परिक्रमा कर लें अगर संभव हो सके तो। और गाय माता से आप अपनी मनोच्छा बोल करके आ जाएं। इस तरह से आप गुरुवार के गुरुवार करते रहें, 7 गुरुवार तो जरूरी करें, अथवा गुरुवार के गुरुवार करते रहें। देखना कुछ ही दिनों में आपके घर में बाल गोपाल का आगमन होगा। जिसके भाग्य में संतान भी नहीं है, डॉक्टर रिपोर्ट ठीक है और फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, तो देखना कि 100% पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये उपाय आज तक निष्फल नहीं हुआ है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया, लाखों लाखों मेरी बहनों ने इसको फायदा में लिया है, इसका प्रयोग किया है। ये बहुत सफल प्रयोग है गौ माता की सेवा का। आप इस उपाय को करें, पुत्र की प्राप्ति करें। आगे की वीडियो में और उपायों के साथ भी मिलेंगे। आप सभी को जो है यहीं पर हम यही मनोकामना के साथ में वीडियो को संपन्न करते हैं कि आप सभी की इच्छा पूरी हो, बाल गोपाल का आप सबके घर में जन्म हो। आप सभी को